फ्रेंड आ गए हम नर्सरी और कितने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। ये हैं मतलब जमीन में लगे हैं, ये गुलाब है, देखिए कितने सुंदर खिल चुके हैं। और वो नौरंगा अभी तक खिल रहा है, देखिए कितना ज़्यादा एकदम से, मतलब इधर खेती भी हो रही है पीछे साइड और आगे नर्सरी, तो मैं पीछे साइड अभी आई हूँ। देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं और इधर साइड देखिए, ये देखिए एकदम से यही खिल चुके हैं नौरंगा। और उधर मिर्च लगे हैं, मिर्च ये देखिए, तुलसी माँ का कितना बड़ा कितना घना प्लांट हो गया है ये, मतलब ज़मीन में लगे हैं ना, तो ज़मीन में हर एक प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। ये देख सकते हैं यहाँ मतलब कितने सारे लगे हुए हैं, देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर है ना कितना प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं एकदम रेड है। इसके 9 कलर होते हैं, रेड हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, मतलब कई बहुत सारे कलर होते हैं, देख सकते हैं। इधर इनका कलर अलग है, ये इनका कलर बिल्कुल चेंज है, देख सकते हैं इधर साइड, ये इनका कलर एकदम देखिए तेब, और इधर भी देख सकते हैं ये वाइट गुलाब, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से लगा के ना बहुत आगे तक है मतलब नर्सरी, तो ये पीछे साइड का नज़ारा है, अभी आगे चल के मैं आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखाऊंगी, कितना अच्छा है। बहुत सारे यहाँ मतलब हर तरह के प्लांट मिल जाएंगे आपको, जो भी प्लांट चाहिए पूरे, हर बड़े भी छोटे भी हर तरह के पौधे मिलते हैं यहाँ पे। देखिए इधर साइड और ये पूरा इधर साइड नवरंगा ही नवरंगा खिल चुका है पूरे में, है ना, देखिए कितना ज़्यादा खिल चुका है। यहाँ पौधे भी छोटे छोटे उगाते हैं और ये देखिए कितना ज़्यादा, ये एक तरफ से यही खिल गया, देखिए अब चलिए चलते हैं आगे का लोकेशन आप लोगों को दिखाती हूँ, आगे कितने अच्छे अच्छे प्लांट आ गए हैं, वो आगे साइड रखे हुए हैं, देखिए वो आगे चल के मैं दिखाऊंगी। चलो चलो चलो, देखिए कितने बड़े बड़े हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ गया, चलो कृष्णा आ जाओ चले। बादल है तो उतना समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं साफ से, देखिए ये कितने बड़े बड़े हैं, आ जाओ पीछे, आगे आ जाओ आगे, पीछे नहीं। ये क्या है भैया, देखिए ये कितने बड़े बड़े हैं, ये बड़े बड़े जैसे कालजों में और जो बहुत बड़ी जगह हो वहाँ लगाया जाता है ये सब। देखिए अलका पाम के कितने बड़े बड़े प्लांट हैं, देख सकते हैं आप, मतलब आम है जो पूरे साल ही फरता है, ऐसे ऐसे आम 500 की कीमत के मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक तरफ से ये अलका पाम लख, ये इधर साइड साइकस के देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट रखे हैं, ठीक है क्या है भाई नाम, गुलाथी चंपा, देखिए कितना अच्छा फ्लावर खिल रहे हैं ये, और दो कलर इसके होते हैं वाइट और पिंक में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये लाल सा एक तरफ से यही हो गया, रहन दो, और जो प्लांट मैं लूँगी वो आपको घर में दिखाऊंगी, पहले मैं यहीं का आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और देखिए ये गांठ वाले जो आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी इनकी मोटी मोटी सी गांठ, देखिए ये देख सकते हैं, है ना, ये बहुत सी जगह इनको लगती है। ये देखिए ये कुचिया है, कितने अच्छे से देखिए ज़मीन में जम गया है, मतलब बीज पड़ गए होंगे तो आ गया, निकल गया है, मतलब एक तरफ से यही रखा हुआ, देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए ये रबड़ प्लांट थे तो गर्मियों में इनकी क्या हालत हो गई है, थोड़ी पत्तियां इनकी सूख गई हैं, बाकी तो ये फन है और बहुत सारे हैं, मधुमालती, चंदन भी है, आम, पान की बेल है, ये है तुलसी माता, और इधर देखिए क्रिसमस डी है। और आगे साइड अब हम आ गए हैं तो आगे साइड दिखा रहे हैं आपको,
देखिए ये कितने अच्छे अच्छे फ्लावर हैं इधर उधर भी, उसको तो याद ही भूल गई, गुड़हल बहुत अच्छे खिले हुए हैं। देखिए ये एक जोरा येलो कलर का भी है और रेड का भी है, और देखिए पिंक है और वाइट, ये देख सकते हैं यहाँ से। उधर साइड रेड रखा हुआ है और यहाँ चांदनी, देखिए देखिए बड़ी वाली चांदनी है ये, और इसका पता नहीं क्या नाम है, इसका श्रीलंका का पौधा बोलते हैं तो, और ये मनोकामनी है ये। बाकी इधर साइड भी बहुत सारे रखे हैं, इधर साइड भी मतलब बहुत, देखिए यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब बहुत दूर तक नर्सरी है। मैं पीछे साइड आपको दिखाई थी ना, वो यहाँ से नहीं दिख रहा, और ये यहाँ से मेन रोड से, मेन रोड से मतलब आगे पीछे तक है बहुत बड़ी। देखिए मैं रेड वाले जोरा दिखा रहे हो आप लोगों को, ये है रेड वाले जोरा, ये रखे हुए हैं वहाँ, थोड़ी गीला है पास में नहीं जा सकती। ये देखिए ये रेड वाले यहाँ पे जोरा रखे हुए हैं, और ये चांदनी छोटी वाली, और यहाँ पे गुलाब रखे हुए हैं देख सकते हैं, मतलब पूरी नर्सरी का। और ये देखिए अलमंडा, देखिए कितने कलर में आया है, ये येलो कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये मतलब बैगनी कलर में खिलेगा है ना, तो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। और इधर साइड देख लिए, ये चमेली है, ये इसको चमेली बोलते हैं, और कुछ का तो मुझे नाम भी नहीं पता, आपसे बता दूं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्लांट रखे। और दिखा दे रहे हैं ये बेगम बोली, देखिए कितनी खूबसूरत खिल चुकी है, येलो कलर पिंक कलर, और इधर साइड है बेला, देखिए कितना ज़्यादा खिला हुआ, और उधर वाइट और उसमें खिला है, इधर भी यही खिल गया। तो ठीक है अब घर चल के दिखाएंगे क्या क्या लेके जा रहे हैं। ठीक है मैं नर्सरी से तो आ चुकी हूँ घर, लेकिन मैं अब जो प्लांट लेकर आई हूँ वो नहीं इसमें दिखा सकती क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं नर्सरी से क्या लेकर आऊँगी। ठीक है तो आप लोग अगला मेरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, और अभी इस वीडियो में आप नर्सरी के प्लांट देखिए जो अभी इस वक्त आए हुए हैं। तो मैं बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ मतलब निराश ना होइएगा और वीडियो देखिएगा, और अगले वीडियो में मैं जो प्लांट लेकर आई हूँ वो दिखाऊंगी। ठीक है तो आप लोग उसको देखिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद दुलार बनाए रखिएगा मेरे प्यार प्यार फ्रेंडो, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड, तो बाय, लव यू। तो देख सकते फ्रेंड बारिश हुई थी, बारिश के अब धूप निकल आई है, तो इसी तरह तो हमारे प्लांट ख़राब होते हैं, जैसे बारिश आती है फिर उसके बाद धूप आती है फिर बारिश होती है, तो जैसे बारिश होती है तो खैर कोई बात नहीं, जब फिर धूप निकलती है तो प्लांट हमारे ख़राब होने लगते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी बचाना पड़ता है। देखिए इसमें से कितने, ये जीनियस का प्लांट था और इसमें देखिए फ्लावर तो निकला छोटा, लेकिन इसमें मिली बग कितने लग चुके हैं, तो मैं वही वाला एलोवेरा और नीम की पत्ती का मेरा स्प्रे रखा है, तो शाम के वक्त इसको डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी क्योंकि देखिए धूप की वजह से प्लांट भी ख़राब होने लगते हैं ना, जैसे धूप निकलती है फिर बारिश होती है तो इसकी वजह से प्लांट ख़राब होते हैं, तो इसे मैं अभी नहीं डालूंगी। तो ठीक है बाय बाय फ्रेंड, लव यू।